तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन किसी के इस दिवाली किसी घर में खुशियाँ हैं तो किसी घर में अंधकार छाया हुआ है। तो सिर्फ अपनी खुशियाँ ना देखते हुए उन लोगों का दुख भी साझा करना चाहिए जो इस दिवाली बहुत दुख के साथ बना रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, आज मैं कुछ हटके वीडियो बना रही हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि जो ये आपने थंबनेल देखकर देख लिया होगा, क्योंकि जो भी ये आदमी है, जो ये सब इंस्पेक्टर है, जो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, क्योंकि ये इतना बड़ा दोषी है ना। कहते हैं ना कि एक जो मछली होती है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह एक ये जो पुलिस वाला है ना, उसने पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर दिया है। ऐसे ही कुछ पुलिस वाले होते हैं जिनकी वजह से पूरा पुलिस महकमा बर्बाद, सॉरी, बदनाम हो जाता है। तो ये है, एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले की न्यूज है, जहाँ पर इस इंस्पेक्टर ने एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। तो इस इंस्पेक्टर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता ने इसकी बहुत पिटाई भी की है, लेकिन ये आदमी उस बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद इस बच्ची के साथ रेप करता है। मेरे समझ में ये नहीं आता, क्या इसकी माँ बहन बच्चे नहीं है इस आदमी के? जब पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे, जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो कौन विश्वास करेगा पुलिस वालों पर? कौन जाएगा इनकी हेल्प मांगने के लिए? जब आदमी पुलिस वालों से ही सुरक्षा नहीं मिल रही आम पब्लिक को, तो और किसके भरोसे आदमी रहे? मतलब क्या लोग अपने लड़कियां पैदा करना छोड़ दें इन जैसे राक्षसों की वजह से? मतलब इतने घटिया आदमी हो गए हैं ये। कुछ मतलब पुलिस में पुलिस वाले हैं ये, है ना, लोग इनके पास मदद मांगने के लिए आते हैं, शिकायत करने के लिए आते हैं, ताकि हमें हेल्प मिल सके। इनके साथ अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, इनके साथ अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन जब ये कमीने आदमी ऐसा करेंगे, तो और आदमी किसके पास जाएगा अपनी शिकायत लेकर? किसकी मदद रहेगा? मतलब आदमी अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में, है ना। एक तो था ना कि बहुत सारे के साथ ऐसे आते हैं कि घर के ही परिवार के किसी चाचा मामा ताऊ ने लड़की के साथ ऐसा कर दिया, लेकिन तो लोग जाते थे हेल्प मांगने के लिए पुलिस वालों के पास। लेकिन जब अब पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे, तो हेल्प मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएगी आम जनता, जब रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं? पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा जिस बच्ची के साथ इसने ये घिनौना काम किया है? वो सिर्फ अभी 4 साल की बच्ची है, उसका आगे का फ्यूचर क्या होगा? और क्या उस माँ पे बीत रही होगी जिस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया है? जिसकी वो बच्ची है 4 साल की, उस माँ पे क्या बीत रही होगी? और क्या इस दिवाली उस परिवार पर कोहराम मचा हुआ है, जिनकी घर की 4 महीने, कहते हैं ना जो छोटी बच्चियाँ होती है ना, उनको पूजा जाता है, उनकी कन्या पूजा की जाती है। जब यहाँ पर कन्याओं को ही नहीं छोड़ा जा रहा है, तो किसकी पूजा करें, किस पर विश्वास करें? ऐसे क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे आदमी को कोर्ट से, जज से सज़ा मिलनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसे आदमी को तो पब्लिक को दे देना चाहिए, और पब्लिक अपने आप ही इस आदमी का निकाल लेगी। इसको क्या सज़ा देनी चाहिए? ऐसे आदमी को ना बीच चौराहे पर खड़ा होकर गोली मार देनी चाहिए ना। क्योंकि पता है ये इतनी समस्याएं बढ़ती क्यों रहती हैं? आज इसका रेप हो गया, कल उसका रेप हो गया, इनको पुलिस कस्टडी में ले जाएंगे, पुलिस कस्टडी में ले जाएंगे, कोर्ट सज़ा देगी। क्या सज़ा देगी? 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्या सज़ा देगी? अगर इनको कोर्ट आदेश दे देना कि इनको तुरंत के तुरंत इनका एनकाउंटर किया जाए, तुरंत के तुरंत इनको कहीं सड़क बीच चौराहे पर लटका करना, वहाँ पर इनको गोली मारी जाए तुरंत के तुरंत, अगर ये ऑर्डर दे देना, तो ये जो केस होने हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। लोग ये सोचते हैं, अरे क्या होगा, 10 साल 5 साल के लिए जेल चले जाएंगे, फिर जमानत पर बाहर आ जाएंगे, क्या बिगड़ा, है ना। लेकिन अगर इनको एक बार ऐसी सज़ा मिल जाए ना कि इनके रोंगटे खड़े हो जाए, तो आगे से शायद ये केस नहीं होंगे। लेकिन नहीं, गिरफ्तार कर लिया, थाने में है जी, और क्या होगा, केस चलेगा, उस सज़ा मिल जाएगी, उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई इज्जत तो होती नहीं है। अगर ये इनकी इज्जत हो, या इनके घर, इनके कुछ इनके घर में माँ बहन बेटी हो, या इनके कुछ शर्म हो, तो ये ऐसे काम करे ही ना। मतलब इतना बुढ़ा आदमी, इतना मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, कितना देश की रक्षा करने वाला आदमी ही अगर बहन बेटियों के साथ ऐसे काम करेगा, तो क्या होगा इस देश का, कहाँ जाएगा?
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए इतनी गालियाँ निकालो इंस्पेक्टर के लिए, इसे इतना ही इतना वो करो कि इसको अगर कोर्ट में चला ही गया ना तो इसको फांसी से कम की सज़ा ना मिले। कम से कम इस आदमी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ये काम करते हुए करने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इस आदमी को। ये नहीं सोचा कि उस बच्चे की माँ पर क्या बीतती होगी, है ना, वो 4 साल की बच्ची, उसने अभी देखा ही क्या था, हुआ ही क्या था। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस आदमी के लिए इतनी वीडियो बनाओ, इस आदमी के लिए इतनी वीडियो बनाओ कि ये आदमी को फांसी से कम की सज़ा ना मिले।